गुड मॉर्निंग एवरीवान सो एज नंबर एट स्क्रैच इन हाउ अ हाउप मेक अल एंड इट अ कलरफुल सर्किल कैसे बनाता है स्प्राइट जैसे जैसे वो मूव करता है उस इंसान में एक और सर्किल का इस तरह से शेप बनाता जाता है और जैसे ही वो एक सर्किल मूव कर लेता है वहां पे उसका सर्किल कंप्लीट हो जाता है और ये सर्किल बना था कलरफुल सर्किल नाउ टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन मेक डुप्लीकेट ऑफ द स्प्राइट कि जो भी स्प्राइट अब हमारा है वो स्प्राइट किस तरह से डुप्लीकेट बनता जाएगा मतलब ये एक स्प्राइट है ठीक है अब जैसे जैसे हम इसको मूव कराएंगे यहां पे तो क्या किया था और हर इंस्टेंस पे उसने सर्किल की शेप बनाई अब हम चाहते हैं कि जैसे ही स्प्राइट जो है वो मूव करेगा इन एवरी मूवमेंट इट मेक्स अ डुप्लीकेट ऑफ इट से मूव किया वहां इसने स्टैंप छोड़ा तो वी विल डिस्कस इन अ प्रैक्टिकल वे सो लेट्स स्टार्ट आर प्रैक्टिकल ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज आर स्क्रैच विंडो एज यू ऑल नो this is our sprite well in the last class we have discussed that how we can make a circle a colorful circle hai na ek colorful circle humne banaya tha sprite ke movement se jaise jaise sprite move kar raha hai waise waise wo ek circle ka stamp banata ja raha tha theek hai aur wo beech beech mein colorful ho raha tha size circle का हमने अपने according decide किया था. कैसे change होता है? we have discussed about that today we will discuss that how we can make डुप्लीकेट ऑफ स्प्राइट डुप्लीकेट ऑफ दिस स्प्राइट इस स्प्राइट का कैसे हम डुप्लीकेट बनाएंगे जैसे में हमने किया था कि जैसे जैसे सर्किल मूव हो रहा है वैसे वो एक सर्किल का इस तरह से शेप बनाता जा रहा है है ना? छोटा 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 जिस तरह से वो जैसे उसका पूरा मूवमेंट फिनिश हुआ वैसे उसका सर्किल बन गया आज हम लोग करेंगे कि जैसे जैसे स्प्राइट मूव हो रहा है जैसे उसने वन मूवमेंट किया तो ये एक स्प्राइट स्प्राइट यहां रहा नेक्स्ट फिर फिर आ गया फिर उसने मूवमेंट किया फिर एक और स्प्राइट बन गया फिर उसने मूवमेंट किया फिर एक और स्प्राइट बन गया तो आज हम उसको करेंगे कि दैट हाउ वी कैन मेक डुप्लीकेट और वी कैन से कि जैसे जैसे ये मूव करेगा हर मूवमेंट पे अपने हर फुटप्रिंट पे वो अपना एक स्टैंप छोड़ के जाएगा ठीक है तो आज हम उसके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसे करेंगे अब एक चीज थी कि जैसे जैसे हमने देखा था कि यहां से ये न्यू स्प्राइट वाले ऑप्शन से हम लोगों ने स्प्राइट्स ऐड किए थे अब हम लोग स्प्राइट ऐड नहीं करेंगे जो स्प्राइट हमारे पास है उसका हम लोग डुप्लीकेट बनाते जाएंगे ठीक है उसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे द मेन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन द इवेंट ब्लॉक इवेंट ब्लॉक में गए और हमने कौन सा ब्लॉक लिया वेन क्लिक एज वी ऑल नो कि हमें वेन क्लिक तो लेना ही लेना है ठीक है अब फिर उसके बाद हम जाएंगे पेन ब्लॉक के अंदर पेन के अंदर क्यों क्योंकि अब हमें यहां से लेना है स्टैंप अब हम चाहते हैं कि जहां पर भी ये मूव करे वहां पर ये अपना एक स्टैंप छोड़ के जाए तो हमने ले लिया यहां पे स्टैम्प कि अब जहां ये स्प्राइट जाएगा वहां पे ये स्प्राइट स्टैम्प छोड़ेगा स्टैम्प ये कब छोड़ेगा जब ये मूव करेगा तो मूवमेंट के लिए हम कहां पे जाएंगे मोशन ब्लॉक में हमने पढ़ा हुआ है कि मूवमेंट के लिए हमेशा हम किसके अंदर जाएंगे मोशन ब्लॉक के तो अब हमने यहाँ पे इसको मूव करा दिया तो ये हमने करा दिया यहां से मूव कितने स्टेप्स मूव कराया हमने टेन स्टेप्स मूव करा दिया यहाँ पे है ना अब मूव कराने के बाद अब आप चाहें तो यहाँ पे जितने मर्जी चाहे अपने नंबर चेंज कर सकते हैं कितने भी आप यहाँ पे टेन की जगह और भी नंबर चेंज कर सकते हो ट्वेंटी कर सकते हो फिफ्टी कर सकते हो अपनी मर्जी से आप जो भी नंबर डालना चाहो चलो मैं यहां पे इसको चेंज करके थर्टी कर देते हैं बस हमें क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है और हमने कर दिया थर्टी ठीक है अब देखते हैं अब चलो अब हम इससे देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज हम बाद में लगाएंगे देखो सी हो रहा है जैसे जैसे ये स्प्राइट मूव कर रहा है वैसे वैसे ये अपना एक स्टैंप छोड़ता जा रहा है सी यही हमने करना था डुप्लीकेट बनाना था इसका सी ठीक है ये डुप्लीकेट बनाया अब हम चाह रहे हैं जैसे हमने सर्किल में किया था कि नॉर्मल हमने सर्किल बनाया जब तक हमने उसमें कलर और साइज ने लगाया था तब तक उसने एक सिंगल ब्लू कलर लिया था ठीक है ऐसे ही अब हम चाह रहे हैं कि अब ये जो स्टैंप छोड़ के जाए ना ये भी थोड़ा सा कलरफुल हो तो मैं इसको यहां पे रख लेती हूं और अब हम इसमें लगाएंगे एक कलर का ब्लॉक ठीक है तो कलर के ब्लॉक में ले अब हमने क्यों किस में जाएंगे ऑब्वियसली अब हम जाएंगे पेन में क्यों क्योंकि जो भी ये मूवमेंट कर रहा है जो ये स्टैंप छोड़ रहा है वो किसमें हमने से किसमें से हमने किया है ये पेन वाले ब्लॉक में से तो यहां से अब हमने लिया कलर चेंज पेन कलर यहां से हमने ले लिया चेंज पेन कलर क्योंकि हमें कलर चेंज करना है ठीक है अब हमने इसको ले लिया अब देखते हैं चलो इससे क्या होता है एक एक ब्लॉक लगाएंगे और उस फिर ब्लॉक से हम लोग चेक करेंगे कि क्या उससे एग्जीक्यूशन हुआ देखो अभी इसने कुछ भी कलर नहीं लिया चलो अब हम यहाँ पे इसको टेन को चेंज करते हैं और हमने यहां पे लिया 50 ठीक है अब फिर हम इसको करके देखते हैं सी अभी भी कुछ नहीं हो रहा क्यों क्योंकि अब हम इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं ठीक है अब हम पहले यहां पे चे सेट करते हैं पेन के साइज को चलो अब हम इसका पेन का साइज को चेंज करके देखते हैं फिर देखेंगे चेंजेस ये हमने किया और यहां से इसका हमने कर दिया सपोज थर्टी ठीक है तो अब हम इसको अगर मूव कराएं तो क्या होगा सी आ। ही देखो अब हमने इसमें पे सेट पेन साइज लगाया थर्टी का अब देखो यहाँ पे ना एक चीज हमसे मिस्टेक हुई थी कि हमने यहाँ पे इसमें पेन डाउन नहीं लगाया था इसकी वजह से ये अपना स्टैम्प वहां पे नहीं छोड़ पा रहा था ठीक है देखो मूवमेंट से क्या हुआ मूव मूव करने से तो ये स्टैम्प अपना आगे बढ़ा ठीक है और पेन डाउन करने से कि वो वहां पे अपना एक स्टैंप से तो ये हुआ कि वो वहां पे अपना ये डुप्लीकेट बनाता जाएगा और पेन डाउन से अपना उसने वहां पे एक पोजीशन uh, को उसने अपना स्टॉप किया और एक कलर लगाने से हमारा ये देखो ये कलरफुल बनता जा रहा है सी देखो सी है ना तो इस तरह से हम अपना स्प्राइट का मूवमेंट करा सकते हैं फिर से मैं आपको इसको बता रही हूं हम लोगों ने एक न्यू लिया देखो सबसे पहले हमने क्लिक लिया ठीक है वेनक्लिक लेने के बाद हमने इसको स्टैंप लिया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो एक ना अपना एक स्टैंप छोड़ के जाए अब उसके बाद हमने इसको मूव कराया थर्टी स्टेप्स को फिर हमने पेन डाउन कर दिया उसका वहां कि अब वहां पे अपना एक पर्टिकुलर सेट हो गया फिर उसने कलर चेंज किया और फिर उसने अपना साइज भी इतना रखा हमने इसका ये जो स्टैंप छोड़ेगा उसका हमने साइज इतना रख लिया ठीक है तो ये था हमारा कि इस तरह से हम लोग इतना डुप्लीकेट बना सकते हैं अब देखो एक और चीज अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है अब ये जो पूरा हमने बनाया है ये क्या है हमारा प्रोजेक्ट है ठीक है अब हम चाहते हैं कि अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करें, ताकि इन फ्यूचर हम इसको यूज कर पाए ठीक है तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये फाइल में जाएंगे देखो फाइल ऑप्शन है हमारा ये यहाँ पे ठीक है इस पे हमने किया क्लिक अब यहां से हमें करना है इसको सेव सेव करते ही हमारे पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगा यहां पर ये वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे कि कौन से स्पेस पे हम लोगों को सेव करना है सपोज मुझे इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना है तो मैंने ये डेस्कटॉप पे क्लिक किया ठीक है क्लिक करते ही मैंने यहाँ पे अब ये वाला जो है एरिया यहाँ पे हमें नेम डालना है मैंने इसको एस के नाम से सेव कर दिया ठीक है सेव अब ये हमारा सेव हो गया ठीक है अब कैसे पता चले कि हमारा ये सेव हुआ है हमने इसको ये देखो ये आ गया हमारा एस सी इसको ओपन करेंगे हम तो इसको ओपन करने के लिए आपको इस पे डबल क्लिक करना है ठीक है इस तरह से और ठीक है अब आपको क्या करना है अब सपोज आप अपने स्क्रैच विंडो पे आए ठीक है यहां पे आपको अपना पहले वाला कोई भी ओपन करना है तो फाइल में जाओ और ओपन पे क्लिक करो जैसे ही हम ओपन पे जाएंगे जहां पर भी हमारा है जैसे हमने कहां पे सेव किया था डेस्कटॉप पे सेव किया था तो हमने इस पर डेस्कटॉप पे क्लिक किया क्लिक करते ही अब हमारा यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो भी होगा वो वहां पे हमको शो हो जाएगा तो यहाँ पे हमें एस के नाम से हमने सेव किया था तो इस पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा स्क्रैच का प्रोजेक्ट है ठीक है तो इस तरह से हम लोग अपना ये बना सकते हैं किस तरह से डुप्लीकेट बनाना है इसको हम लोग बना सकते हैं और कैसे सेव करना है कैसे हमें इसको ओपन करना है और ऐसे ये देखो फाइल है जो ये ऑप्शन इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां पे हमें न्यू का ऑप्शन मिलेगा कि अगर हमें इसको सेव नहीं करना हमको इसको कुछ नहीं करना और हमें क्या करना है न्यू पे न्यू ओपन करना है तो हम इसको न्यू पे क्लिक कर देंगे हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी हमने इसको किया अगर हमें सेव करना है तो हम सेव कर देंगे अगर डोंट सेव करना है तो हम इसको डोंट सेव कर देंगे और ये हमारे पास न्यू सेव हो जाएगा ठीक है न्यू विंडो ओपन हो जाएगी तो ये था हमारा चैप्टर नंबर एट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे